बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से मिल रही है, जहां दिल्ली परिवहन विभाग के कार्यालय में आग लग गई है। तो दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां पर परिवहन विभाग के कार्यालय में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। आग किन वजहों से लगी है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, लेकिन 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी आपको यहां पर दिखा रहा है, दिल्ली में परिवहन विभाग के कार्यालय में जहां आग लगी है और आग किस कदर लगी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, मौके पर 8 गाड़ियां मौजूद है, जो लगातार मशक्कत कर रही हैं आग को बुझाने की, आग पर काबू पाने की, लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत यहां पर नहीं दिख रही है। जानमाल का क्या नुकसान हुआ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं, और आग किस कारणों से लगी है इसकी भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से बता दें, 8 गाड़ियां जहां परिवहन विभाग के कार्यालय में आज सुबह ये आग लगी है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित, क्या जानकारी इस आग को लेकर? दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग में आग लगी हुई है, और जैसे ही फायर ब्रिगेड को पता चलता है, 8 गाड़ियां अब तक मौके पे पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। हालांकि इस बीच किसी के हताहत या घायल होने की खबर अब तक नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का प्रयास जारी है, और उसके बाद फिर फायर कर्मी जो है वो बिल्डिंग के अंदर का देखेंगे कि क्या कोई नुकसान हुआ है और कितना किस वजह से आग लगी है। जी, चलिए धन्यवाद आपका अमित। तो अमित ने जिस तरह की जानकारी दी उसके तहत किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं, फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है।